और आसिया, आप तो जी जानती हैं आज 28 फरवरी है। जी आज ही के दिन एक ऐसे फनकार ने जन्म लिया था जो नाबीना होते हुए भी बहुत कुछ कहा भी उन्होंने, सुनाया भी, जी और मौसीकी के ऐसे तार छेड़े जी जिसकी गूंज आज भी है, और वो हैं रविंद्र जैन साहब। रविंद्र जैन साहब 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ यूपी में पैदा हुए थे और 9 अक्टूबर 2015 71 साल की उम्र में नागपुर में आपने आखिरी सांस ली थी। और बचपन से ही आपको गाने का शौक था और घर में कुछ माहौल भी इस तरह का था, तो जैन मंदिर जाया करते थे, वहां बचपन में भजन गाया करते थे। और गाने का शौक शुरू से रहा, इसलिए फिर बाकायदगी से मौसीकी की तालीम भी हासिल की, और उसके बाद फिर गाने के साथ साथ मौसीकार बने जनाब। और सौदागर, चोर मचाए शोर, चित चोर, गीत गाता चल, फकीरा, बेहद मशहूर फिल्में हैं बहुत इसकी। जबरदस्त फिल्में रही, आंखों के झरोकों से, दुल्हन वही जो पियावन भाए, दो जासूस, पति पत्नी, और वो वगैरह वगैरह, और नदिया के पार, राम तेरी गंगा मैली। सारी फिल्में ऐसी हैं कि हर जनरेशन के लोग जानते हैं कि ये फिल्में जी बॉलीवुड में बहुत अहमियत रखती हैं। अच्छा, एक बात और भी थी, जी आपने एक काम और किया है कि नए सिंगर्स को, नए गुलकारों को आप मौका दिया करते थे। बहुत अच्छी जी बात है। हाँ, जसपाल सिंह की बात कर लें, चाहे फिर हेमलता की बात की जाए, ये कुछ ऐसे नाम रहे, और यशुदास, ये अलग अलग नए नए कलाकारों को आप मौका दिया करते थे। और रामायण जो टीवी सीरियल आया करता था उसमें मौसीकी भी दी थी और आपने वो टाइटल सॉन्ग भी गाया था। अच्छा। जी हाँ, बड़ा मशहूर रहा था। और कहते हैं कि उस वक्त में जब ये सीरियल आया करते थे तो एक तरह से जैसे शहर में कर्फ्यू नहीं लग जाता, उस तरह से भीड़ भाड़ जो है सड़कों से गायब एक हो टीवी जाती थी। सेट के सामने वजह इकट्ठी हो उसकी जाया एक ये है, करती खुद मुझे भी मालूम है, थी। क्योंकि हमारे अपने घर में जो टीवी था, जी शायद पूरे कॉलोनी में अकेला टीवी हमारे फादर के घर में था अच्छा जब हम बच्चे नहीं थे, जी कोई जी भी उनकी जवानी में। और जब एक वो आता था, वो बहुत पहले दो सीरियल आते थे, शायद नाम जी याद नहीं आ हाँ, रहे मुझे उनके। महाभारत और रामायण, ये दो तो बहुत ही मशहूर इनके सीरियल अलावा और थे। दो जी सीरियल हाँ, थे जिनको देखने के लिए और लोग जी हाँ, इकट्ठा बिल्कुल होते सही कह थे। रहे हैं आप। और आपके एजाज की अगर बात की जाए तो पद्मश्री एजाज से भी आपको नवाजा गया था, और बेहतरीन मौसीकार के तौर पर आपको एजाज हासिल हुआ था राम तेरी गंगा मैली फिल्म के लिए। और बहुत बड़ा ताउन रहा रविंद्र जैन साहब का, क्योंकि नगमे भी लिखे आपने, नगमे गाए भी और मौसीकी भी तरतीब थी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आपके हिंदी फिल्मी सनत के वो ऑलराउंडर थे। जी बिल्कुल। खराज अकीदत उनके लिए उर्दू सर्विस की जानिब से।